नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में मैं रतन सेन भारती आज हम बात करेंगे ग्रामीणों को लेकर जारी मॉडल नागरिक चार्ट के बारे में बिहार में भले ही पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हुआ हो लेकिन गांव के विकास की बात हुई तो सरकार ने परामर्श समिति का गठन कर दिया है जिससे कि गांव में चल रही योजनाएं सतत चलती रहे गांव में रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े अब ग्रामीणों को अपने पंचायत में ही कई तरह की सेवाओं का लाभ निर्धारित समय पर मिल जाएगा किसी को मेनरेगा का जॉब कार्ड बनवाना हो हैंडपम्प की मरम्मत करानी हो या फिर वृद्ध विधवा या दिव्यांग प्रमाण पत्र जैसे सुविधाएं ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध करा दी जाएंगी इसको लेकर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्ट जारी कर दिया है हर सेवा की समय सीमा होगी निर्धारित इसके आधार पर ग्राम पंचायतें अपने नागरिकों को दी जाने वाले विभिन्न भी प्रकार की सेवाओं नागरिकों द्वारा पूरी की जाने वाले शर्त और हर सेवा की समय सीमा निर्धारित करनी है नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित अवधि के दौरान या तो सेवा प्रदान किया जाएगा अथवा अस्वीकार किया जाएगा अस्वीकार करने पर उनके कारणों का लिखित सूचना देनी होगी तीन दिनों के अंदर जन्म और मृत्यु विवाह एवं संपत्ति का स्वामित्व का प्रमाण पत्र अब बन जाएगा सरकार द्वारा तैयार किए गए नए मॉडल नागरिक चार्ट के प्रमाण पत्र लाइसेंस अनुमति प्रदान करने को लेकर विकास संबंधी कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य काराधान स्ट्रीट लाइट सामुदायिक संपत्ति कल्याणकारी योजना और कनेक्टिविटी जैसी योजनाओं के लिए पूरा ब्यौरा तैयार किया गया है कोई भी ग्रामीण अब आवेदन पत्र देकर तीन दिनों के अंदर जन्म मृत्यु विवाह व संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है पाँच दिन में मिल जाएगा लघु उद्योग का लाइसेंस व्यापारिक लाइसेंस के लिए तीन दिन तो गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए पंद्रह दिन में लाइसेंस मिल जाएगा कोई नागरिक अगर प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध करता है तो सात दिनों के अंदर पंचायत सचिव सरपंच या मुखिया द्वारा ग्राम सभा बुलाई जाएगी नागरिकों को मनरेगा जॉब कार्ड तैयार करने के लिए आधार कार्ड और फोटो बैंक खाता संख्या के साथ आवेदन भरने पर पंद्रह दिनों के अंदर कार्ड जारी करने का प्रावधान किया गया है अगर कोई संपत्ति कर का निर्धारण करना चाहता है तो उसको पंजीकृत बिक्री लेख जैसे दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर पंद्रह दिनों के अंदर संपत्ति का निर्धारण करने का प्रावधान चार्टर में किया गया है कर निर्धारण के ख़िलाफ़ अपील याचिका करनी है तो तीस दिनों में उसका निर्धारण हो जाएगा मकान का नंबर का आवंटन कराना हो तो सात दिनों के अंदर आवेदन देने के बाद आपका आवंटन हो जाएगा सात दिनों में पानी का कनेक्शन भी मिल जाएगा किसी नागरिक को जलापूर्ति का कनेक्शन चाहिए तो आवेदन में संपत्ति कर की रसीद के साथ जमा करने पर सात दिनों के अंदर आपका पानी का कनेक्शन मिल जाएगा पाइपलाइन में रिसाव होने पर तीन दिनों में समस्या का समाधान किया जाएगा इसी प्रकार से स्ट्रीट लाइट के खराब होने की शिकायत करने पर एक दिन में उसे ठीक किया दिया जाएगा जबकि नई बसावट में आवेदन करने के तीन दिनों के अंदर स्ट्रीट लाइट के लिए पोल लगा दिए जाएंगे विधवा व वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन सार्वजनिक संपत्ति में खेल मैदान सार्वजनिक पार्क शमशान व कब्रिस्तान भूमि के रख रखाव आवेदन के तीस दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा सार्वजनिक संपत्तियों का अतिक्रमण सात दिनों में हटाना होगा वरिष्ठ नागरिकों विधवा व जनों के लिए पेंशन का आवेदन पत्र पाने के सात दिनों के अंदर उसे अग्रसरित करना होगा एक महीने के अंदर नया राशन कार्ड तैयार हो जाएगा नया राशन कार्ड तैयार करने के लिए निवास आय आयु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के साथ आवेदन करने पर 15 से 30 दिनों के अंदर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा राशन कार्ड के नाम जोड़ने का काम भी 15 से 30 दिनों के अंदर किया जाएगा पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर में सुविधा करने का दायित्व पंद्रह दिनों का होगा जबकि तो पंचायत में वाईफाई जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी तीस दिनों में पूरी करनी होगी पंचायतों में इंटरनेट से जुड़े मुद्दे को सात दिनों के अंदर निपटारा किया जाएगा तो इस तरह से हम कर लें कि केंद्रीय पंचायती राज विभाग की तरफ से एक नया मॉडल ग्रामों के लिए जारी किया गया है जिसमें ग्रामीण मॉडल नागरिक चार्ट के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है अगर ये गाँव में एक तरह से हम कह लें कि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो गाँव के लोगों के लिए एक तरह से हम कह लें कि काया पलट जैसी स्थिति होगी उन्हें ज़्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं होगी वो दौड़ भाग की जरूरत नहीं होगी वो उससे बच सकते हैं तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद